अगली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के इतिहास को दबाया गया, पहले जानबूझकर विदेशी एजेंडा बढ़ाने का काम किया गया। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, यह योद्धाओं का इतिहास है। अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। हम इन गलतियों को सुधार रहे हैं, पीएम ने बोला। दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा है जो गुलामी के कालखंड के साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडों को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के हर कोने में माँ भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसे जानबूझकर दबा दिया गया। मोदी शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में असम के वीर सपूत लचित बरफुकान की 400वीं जयंती कार्यक्रम के समापन समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने सेनापति लचित के योगदान को याद किया और देश के इतिहास को लेकर अपनी बातें रखी। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस इतिहास को जानबूझकर के दबा दिया गया। जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है।